सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोटोरोला के एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो दोस्तों अभी लॉन्च हुआ है और जो आपको 5G नेटवर्क के साथ देखने को मिलेगा। ये दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोटोरोला के एक नए ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि दोस्तों एक 5G फ़ोन है जिसका नाम है दोस्तों Moto G 5G। दोस्तों आज मैं आपको इस फ़ोन के बारे में बताऊंगा कि ये फ़ोन आपको कब से देखने को मिलेगा, इसकी कितनी प्राइस है, इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है और ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों साथ में आपको मैं यही बताऊँगा कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है और ये आपके लिए कितना बेस्ट रहेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने वाले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल नए आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैनर प्रेस कर दें जिससे मेरे नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस फ़ोन के बारे में सारे स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। दोस्तों इंडिया के अंदर मोटोरोला का 5G फ़ोन लॉन्च हो चुका है जिसका नाम दोस्तों Moto G 5G। दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो 2100 रखी गई है इंडिया के अंदर और दोस्तों ये स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर के साथ आता है जो कि दोस्तों इस मोटोरोला का पहला फ़ोन है जो कि दोस्तों इस प्रोसेसर पे आया है और दोस्तों जो प्रोसेसर पहला है जो इस फ़ोन में दिया गया है। तो दोस्तों ये 5G फ़ोन है और जो हमें मोटोरोला से देखने को मिलता है दोस्तों एक ये एक ऐसा फ़ोन है जो काफ़ी सस्ता फ़ोन है 5G नेटवर्क वाला। दोस्तों इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों ये हमें स्नैपड्रैगन 750G के साथ देखने को मिलता है जो कि दोस्तों एक नया प्रोसेसर है और दोस्तों ये प्रोसेसर पहला फ़ोन है इसका मोटोरोला का जिसमें हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इसकी फ़ोन की डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें हमें 6.7 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि दोस्तों एक फुल एचडी डिस्प्ले है और दोस्तों इसका जो कंटेंट है ये HDR कंटेंट को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इसमें आप नेटफ्लिक्स और अमेज़न की वीडियो देख सकते हो आसानी से। अब दोस्तों इस फ़ोन की बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 5000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जिसमें आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इस फ़ोन की डिस्प्ले है वो MaxVision नाम से कोई डिस्प्ले आती है जो कि दोस्तों IP डिस्प्ले थोड़ी अच्छी हो रही है और सुपर AMOLED डिस्प्ले थोड़ी कम होती है, बट दोस्तों इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि दोस्तों मोटोरोला के फ़ोन होते हैं और में हमें काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो दोस्तों मोटोरोला का ये फ़ोन है 5G, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है जो हमें 2100 में 5G नेटवर्क देता है। वैसे दोस्तों 5G नेटवर्क का अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों इंडिया में अभी 5G नेटवर्क आया नहीं है, बट दोस्तों फिर भी हमें 2100 में 5G नेटवर्क देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन 7 तारीख से सेल में स्टार्ट होगा, इसकी जो पहली सेल है वो 7 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। इसकी प्राइस दोस्तों 2100 है, बट दोस्तों जिनके पास HDFC बैंक का कार्ड है उनको 1000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है और आप इस फोन लेना चाहते हो तो आपको ये फ़ोन सिर्फ 20000 में देखने को मिल जाएगा 7 दिसंबर से। दोस्तों इस फ़ोन की कैमरे की बात की जाए तो इसमें हमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है इसके रियर में। इसका जो दोस्तों मेन कैमरा है वो 48 MP का है। तो दोस्तों कैमरे के मामले में काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये क्योंकि दोस्तों मोटोरोला के फ़ोन में हमें काफ़ी अच्छे कैमरा देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले दोस्तों मोटोरोला के फ़ोन आए हैं जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छे कैमरा के साथ लॉन्च हुए हैं। अब दोस्तों इसकी रोम और रैम की बात की जाए तो इसका दोस्तों बेस वेरिएंट है 2100 वाला, उसमें हमें 6GB और 128GB की रैम और रोम देखने को मिलती है। तो दोस्तों रैम और रैम के मामले में ये फ़ोन हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा। दोस्तों अब इस फोन के सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो इसमें हमें 16 MP का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो दोस्तों एक काफ़ी अच्छा कैमरा है, बट दोस्तों जो उतना अच्छा नहीं है जितना हमें 32 MP का देखने को मिलता है और भी स्मार्टफोनों में। दोस्तों कैमरे के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इसका प्रोसेसर दोस्तों काफ़ी अच्छा है 5G प्रोसेसर है और एक नया प्रोसेसर है और बैटरी दोस्तों काफ़ी अच्छी है 5000mAh की और दोस्तों इसके साथ आपको 18W का एक पाठशाला भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो 5G हो, नया प्रोसेसर हो और दोस्तों मोटोरोला की ब्रांडिंग हो तो आप इस फ़ोन को 2100 के अंदर खरीद सकते हो जो दोस्तों मैं कहूँ काफ़ी अच्छा फ़ोन है। वैसे दोस्तों 5G हो या फिर ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडिया के अंदर अभी 5G नेटवर्क नहीं आए हैं, बट दोस्तों फ्यूचर में कभी भी आ सकते हैं तो आप 20000 के अंदर मोटोरोला का 5G फ़ोन ले सकते हो जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो मोटोरोला का ब्रांडिंग हो 20000 के अंदर आ जाए 5G नेटवर्क वाला तो आप फोन ले सकते हो, बट दोस्तों आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मोटोरोला के जो फ़ोन होते हैं उनके दोस्तों सर्विस सेंटर काफ़ी ज़्यादा इतनी जगह नहीं होते जैसे दोस्तों आपको और ब्रांड को देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपको रियलमी सैमसंग वगैरह देखने को मिल जाएंगे उस तरह से आपको मोटोरोला के सर्विस सेंटर हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों अगर आप एक ऐसी जगह रहते हो यहाँ मोटोरोला सर्विस सेंटर नहीं है
तब आप इसकी जगह कोई और स्मार्टफोन देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों मोटोरोला के सर्विस सेंटर हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। और अगर आपके फ़ोन को दिक्कत आती है तो दोस्तों जब सर्विस सेंटर नहीं होंगे तो आप अपने फ़ोन को सही नहीं करा पाओगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके क्षेत्र में सर्विस सेंटर नहीं है मोटोरोला का, तब आपको इस फ़ोन की जगह कोई और फ़ोन देना चाहिए। बट अगर आपके शहर में मोटोरोला का सर्विस सेंटर है तो आप इस फ़ोन को बिना टेंशन ले सकते हो 20,000 रुपये के अंदर 7 दिसंबर से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि ये फ़ोन आपके लिए कितना बेस्ट है और ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।